फूड ब्लैकमेल करने में जुटा है रूस, ये कह रहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की का रूस पर जानबूझकर खाद्य संकट पैदा करने का आरोप है। रूस पर लगाया यूक्रेन के कार्गो शिप को रोकने का आरोप। 150 कार्गो शिप की मूवमेंट में रूस अड़ंगा लगा रहा है। वॉर शुरू होने के बाद से ही यूक्रेनी खाद्यान्न निर्यात में काफी परेशानी आ रही है, ये कहा गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ओर से। नया आरोप लगा दिया रूस पर कि खाद्यान्न संकट जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है, तो ये क्या ये नया हथियार है और फूड वॉर छिड़ चुका है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं किस तरह का संकट है और आरोप क्या क्या लगाए जा रहे हैं। करीब 3 महीने ब्लैक सी रूट बाधित था। यूएन तुर्की ने मध्यस्थता की इसको लेकर कि कम से कम ये क्लियर हो। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि शिपमेंट जानबूझकर रोका जा रहा है। जुलाई 2022 की याद दिलाते हैं आपको कि फूड सप्लाई डील हुई थी और इसको लेकर 120 दिन के लिए एग्रीमेंट हुआ था। अब इसको लेकर इससे इतर तस्वीर ये है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर शिपमेंट रोका जा रहा है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नवंबर 2022 तक की बात करें डील की, तो डील की समय सीमा है नवंबर 2022 तक। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने फिर जहाज रोके हैं, यानी 150 शिप्स को रोका गया है और जानबूझकर रोका जा रहा है ताकि डिले हो और लोगों के सामने संकट खड़ा हो। 150 शिप ब्लैक सी में ब्लॉक कर दिए गए हैं। 30 लाख टन अनाज की जो डिलीवरी है वो रुकी है, तो लोगों तक खाद्य कैसे पहुंचेगा और ये समस्या और एक विकराल रूप ले सकती है। अब कई अफ्रीकी देश जो हैं यूक्रेनी सप्लाई पर निर्भर हैं, वहीं से ही सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट होता है यूक्रेन से। रूट ब्लॉक हुआ तो पूरी दुनिया में असर पड़ेगा। तो जहां जहां जिन जिन देशों में इम्पोर्ट होता है, आयात होता है, उनको बहुत ज़्यादा संकट हो सकता है क्योंकि यूक्रेन से ही निर्यात नहीं हो रहा है। कोचर साहब, मैं आपके पास आऊँगी। सर, आपको लगता है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की कि जानबूझकर 150 शिप्स रोके गए हैं, शिपमेंट रोका गया है, शिप मूवमेंट रोका जा रहा है और ये खाद्य संकट की ओर इशारा कर रहा है, ये एक नया वॉर है जो इस वक्त रूस बढ़ावा दे रहा है? देखिए, ये एक वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसमें कोई भी कंट्री अपने दुश्मन को घुटने टेक देने के लिए मजबूर करती है और ये एक स्ट्रेटजी। अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, उनके जितने भी पावर जनरेशन प्लांट्स थे उनके ऊपर स्ट्राइक हुई है। आज यूक्रेन में काफ़ी सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और एक वार्निंग भी दी गई है कि विंटर्स आर गोइंग टू बी टफ। तो अभी ये जो स्ट्रेटजी ब्लॉकेड की है, ये एक पार्ट ऑफ रशियन ओवरऑल स्ट्रेटजी है। अब आप इनके पास कैंपेन्स में भी जाएंगे रशिया की, तो ब्लॉकेड उनका एक स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है। तो असर क्या पड़ेगा? ये इसका जो असर है ये बहुत ही भयानक असर होने वाला है। सुमित जी, एक और बात है, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी आपका फूड सप्लाई और आपकी जो लाइफ लाइन है वो बंद हो जाएगी। सुमित जी, कोचर सर जो कह रहे हैं, पहले से ही रूस के ऊपर ये आरोप है कि गैस और एनर्जी क्राइसिस जानबूझ करके लेके आ रहा है, अब खाद्यान्न संकट का भी ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर क्या रूस की इमेज खराब नहीं हो रही है कि जानबूझकर ऐसी क्राइसिस दुनिया के सामने पैदा कर रहे हैं पुतिन? जब युद्ध में है दो देश तो दो देश किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा जैसे कि सर कह रहे हैं, तो इसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की तो कोई बात ही नहीं है। अगर है तब भी, तो इसीलिए तो एग्रीमेंट रूस ने किया 3 महीने के लिए, और 3 महीने की एग्रीमेंट ये क्यों हुआ कि हम सप्लाई को अलाउ करेंगे, क्योंकि कोई एक ऐसी स्थिति बन सके जहां पर युद्ध खत्म हो सके, ऐसी स्थिति तो दिख नहीं रही है। तो इसमें ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? अब ये यूक्रेन को लग रहा होगा या अमेरिका को लग रहा होगा, नेटो मेंबर्स का लग रहा होगा ये ब्लैकमेलिंग है। अगर आप रशिया के परिपेक्ष से देखें और न्यूट्रल होकर देखें तो वो तो अपने स्थिति में वो लेजिटमेट है, वो सही है कि किसी भी तरीके से वो चाहेगा कि उसकी युद्ध की स्थिति में उसकी स्थिति मजबूत हो और वो जीते। ठीक है, यानी आप इसे रूस की नई स्ट्रेटजी के तौर पर देख रहे हैं? ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।